सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर सिंह फूड हंटर को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। जी मेरे चटोरो कितना वधिया, आपा भी वधिया, उम्मीद करता तुसी भी वधिया होगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे बंदे की कहानी दिखाने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और ये राजमा चावल की स्कूटर लगाते हैं। ये लोकेशन की बात करूँ तो मैं एक बार लोकेशन समझा दूँ आपको। ये रोड जो आ रहा है राजा गार्डन से आ रहा है, ये सामने पैसिफिक मॉल है। पैसिफिक मॉल के बिल्कुल सामने ये पेट्रोल पम्प है, HP का पेट्रोल पम्प। यहाँ के ऊपर राजमा चावल लगाते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले खाया था, ट्राई किया था, बहुत ही बढ़िया टेस्ट था। आओ देखते हैं कैसे बनाते हैं, क्या कहानी है इनकी, क्या प्राइस है, क्या मेन्यू है। मेरा नाम भागचंद शर्मा है, राजस्थान का रहने वाला हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का। और मेरे को इस काम में हो गए 14 साल, माल बनाते हुए यहाँ लगाता हूँ स्कूटर पे। और उससे पहले मैं मॉल के अंदर सेक्शन इंचार्ज था लेडीज फ्लोर का, वहाँ पर मैं अचानक बीमार हुआ दोस्तों। उसके बाद मैंने ये काम शुरू करा, मैं धीरे धीरे ठीक हुआ। सरदार जी ने मेरे को माल दिया, 2-3 साल उन्होंने माल दिया, उसके बाद मैंने अपना बनाना शुरू कर दिया। भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए जैसे मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए। मैं इतना भयंकर बीमार हुआ कि मेरी पूछने की कोई उम्मीद नहीं थी। सब ने आज छोड़ दी थी कि ये बचेगा नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सुनी और उसने मेरे को बचाया। फिर मैंने ICU में मैं 28 दिन रहा, उसके बाद मेरे को छुट्टी मिली। मैं 18 महीने के 4 पाई पे रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये काम शुरू करा, सरदार जी के पास गया। सरदार जी के राजमा चावल हैं मशहूर, ये हरिनगर में लगाते हैं सरदार जी, वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने मेरे को काम दिया, उसके बाद मेरे को माल बना के दिया, प्याज भी वो काट के देते थे, मेरे हाथ भी काम नहीं करते थे। उसके बाद मैंने अपना, सरदार जी ने मेरे को कहा कि बेटे आप अपना बनाओ, उसमें बचत ज़्यादा होगी। मैंने धीरे धीरे अपना बनाना शुरू करा, उसके बाद मैंने अपना टेस्ट बनाया। आज मेरे को 14 साल हो गई काम करते हुए, भगवान की दया से ठीक चल रहा है मेरा, बहुत बढ़िया काम है, टेस्ट भी सही है भगवान की दया से, और सब कुछ बढ़िया हो रहा है। बाकी दोस्तों, किसी को ऐसा दिन ना देखना पड़े जो मेरी ज़िंदगी में दिन आए हैं। मेरा तो पैर भी हाथ भी नहीं हिलते थे, उस कंडीशन में था मैं, लेकिन मेरे को सरदार जी का सहयोग मिला, मैंने मेरे को काम सिखाया, एक माल दिया, उसके बाद मैंने बनाना शुरू करा, आज मेरा काम ठीक है। ये नीचे बड़ा बढ़िया सा अरेंजमेंट कर रखा है बैठने का। और ये मेरा भाई पेट्रोल पंप पे जॉब करता है और खा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? दीपक। दीपक, कितने साल हो गए आप इनके पास खा रहे हो? मुझे कम से कम यहाँ हो गए 10 साल। 10 साल? हाँ। और 10 साल से इनको देख रहे हो आप? हाँ काम कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और कैसे काम कर रहे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेस्ट कैसा होता है इनका? बहुत बढ़िया टेस्ट है, मिर्ची है ये बहुत टेस्टी है। ठीक है, मिर्ची इनकी बहुत स्पेशल है, मैंने सुना है कि इनकी मिर्ची। हाँ जी, हाँ जी। और महंगाई चल रही है, देखो प्याज कितना महंगा, और ये आज भी प्याज डाल के दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ये कितने की देते हैं प्लेट? ये ज्यादा नहीं है, 40 रुपए, 30 रुपए। 40 रुपए नॉमिनल सा रेट है, कोई भी आदमी आके एंजॉय कर सकता है, बहुत बढ़िया है। नॉर्मल बंदा भाई पेट्रोल पंप काम करता है, कोई भी नॉर्मल सा बंदा है, मेरे जैसा भी कोई आएगा तो आराम से खाएगा, यहाँ पे एंजॉय करेगा। अच्छा, 20 रुपए से स्टार्टिंग है भैया बता रहे हैं, 20 रुपए से स्टार्टिंग है। और ये कड़ी चावल एंजॉय कर रहे हैं भैया। चलो देखते हैं, एक भैया और हैं, भैया ने खाया अभी अभी, और भैया से पूछते हैं भैया को कैसा लगा। भैया अपना नाम बताओ पहले। पंकज मेरा नाम है, और मैं आज यहाँ पहली बार आया था, और मैंने पहली बार ही टेस्ट किया है। मुझे टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया लगा। और मैं अगर इसको रेटिंग देना चाहूँगा 10 out of 8। ये पाजी हैं, बड़े मज़े से खा रहे हैं राजमा चावल। नाम दोस्तों पहले अपना। मेरा नाम बिन्नी है। बिन्नी, कितना टाइम हो गया इधर खाते हुए? मेरे को 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए? हाँ। अच्छा जी, 6-7 साल से ये राजमा चावल, ये बोल बता रहे थे मेरे को अभी कि मैं दिन का लंच यहीं पे करता हूँ। और टेस्ट दसो भाजी कितना है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनका। अच्छा, तभी मैं इन पे आता हूँ, बढ़िया बनाते हैं। चलो ये अंकल जी बड़े मज़े से राजमा चावल खा रहे हैं। अंकल जी नाम दसो पहले अपना। प्रदीप कुमार नाम है, ऑटो चलाता हूँ मैं। जब भी इधर से निकलता हूँ तो शर्मा जी के चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल खा के जाता हूँ। ठीक है, तो टेस्ट कैसा लगता है? बहुत बढ़िया टेस्ट है जी।
ना नमक मिर्च सही मीडियम साइज सब कुछ सही बराबर। प्राइस भी बहुत नॉर्मल जाइए रेट प्राइस भी सही तीर में है ना। अपना नाम बताओ भैया पहले। मेरा नाम विक्रम राणा है। अच्छा तो कितना टाइम हो गया थानू इधर आंदे हुए? मैंने आंदे तो 5-7 साल हो गए। ठीक है लेकिन मैं जब भी इधर मोटरसाइकिल अपनी या गड्डी सही करा आंदा मौका लगता है ना राजमा चावल या कढ़ी चावल या जो भी ना बनाते हैं वो खा के आंदा। ठीक है टेस्ट कैसा ज्यादा लगता है? टेस्ट अच्छा लगता है इधर आ रहे। ठीक है एक मतलब रेट भी बिल्कुल जेन्युइन जेन्युइन प्राइस है। प्राइस भी जेन्युइन है और इस प्राइस के अंदर आजकल आंदा भी किए तुम भी जानते हो तो ऑलमोस्ट इस प्राइस के अंदर साढ़े लिए साढ़े एक मिडिलर फैमिली वास्ते सफिशिएंट है। ठीक है जी थैंक यू। अपने राजमा चावल आ गए हैं। राजमा चावल एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी खा लो, लंच में खा लो, ब्रेकफास्ट में खा लो, डिनर में खा लो और पंजाबियों की तो जान होती है राजमा चावल। किस किस को पसंद है राजमा चावल तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। राजमा चावल साथ में प्याज दिए इन्होंने ऊपर डाल के, हरी हरी चटनी डाली है और ये मिर्च दी है। मैं पहले राजमा चावल खा के बताऊंगा। मसाले एकदम बैलेंस है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो ऊपर से चटनी डलवा लो, एक्स्ट्रा डलवा लो ज़्यादा स्पाइसी डालना चाहते हो। ये अंकल जी ने और मेरे लिए राजमा डाल दिया ऊपर से। अल्टीमेट टेस्ट है, अल्टीमेट घर जैसा टेस्ट है पूरा। जब मैं आया ना यहाँ पे तो उसका ढक्कन खोला अंकल जी ने तो इतनी बढ़िया खुशबू निकली बाहर, मेरा दिल कर गया अभी बस आते ही खाना चालू कर दूँ। बट शूट तो करना बनता है ना आप लोगों के लिए। राजमा चावल के साथ में चपाती ली है मैंने। राजमा चावल ये जो मैंने लिया है ये 20 रुपीज़ का है और ये इनकी कड़ी है। कड़ी एक बार मैं खा के बताऊंगा आपको। कड़ी का टेस्ट भी बहुत घर जैसा है, कड़ी पकौड़ा है, साथ में मैंने चपाती दी है। यहाँ थाली मिलती है, एक सब्जी साथ में 4 रोटी, 35 रुपये रेट है, बिल्कुल नॉर्मल सा भी बंदा खा सकता है आराम से। ये मैं चपाती के साथ खाऊंगा, घर की रोटी है तवे की बनी हुई। ओए होए होए जबरदस्त टेस्ट है। कड़ी जैसी मेरे को पसंद है ना, बहुत ज़्यादा थिक नहीं पसंद मेरे को, थिन पसंद है हल्की। हरी मिर्च डाल रखी है, सूखा धनिया है, एकदम तड़का लगाया हुआ है, लाल मिर्च डली हुई है, पकोड़ा है बीच में, ये देखो प्याज का पकोड़ा है। अल्टीमेट है, अल्टीमेट जिसको मैं कहता हूँ ना, सुपर से भी ऊपर। मसाले नमक वगैरह बिल्कुल बैलेंस है। मैं ये फिनिश करता हूँ। राजमा चावल कड़ी चावल आपको मैंने बता दिया कि 20 रुपीज़ से स्टार्ट है, लास्ट 40 रुपीज़ की फुल प्लेट है। और ये थाली लेना चाहते हो जिसमें एक सब्जी आएगी, 4 रोटी, वो 35 रुपये कॉस्ट है। 2 सब्जी के साथ लोगे तो 40 रुपये आएगी, 5 रोटी के साथ लोगे तो 45 रुपये की आएगी, 5 रुपये रोटी की कॉस्ट है। ये मैं फिनिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो भाई मैंने तो अपनी कर ली है पेट पूजा, खा ली राजमा चावल, खा लिए चपाती के साथ कढ़ी, अल्टीमेट टेस्ट था, मज़ा आ गया खा के। आपको इस चीज़ को इन्जॉय करना है ना, शर्मा जी के बाद ज़रूर आना आप राजमा चावल खाने। राजमा चावल इनके सुपर हैं, सुपर है, कह रहे हैं ना घर जैसा टेस्ट। हरी मिर्च जो देते हैं साथ में फ्राई करके देते हैं, मज़ा आ जाता है खा के। फ़ोन नंबर मैं इनका दे दूंगा आपको। ये पैसिफिक मॉल के ओपोजिट लगाते हैं स्कूटर के ऊपर, LML के ऊपर। इनको वैसे कहते हैं LML वाले राजमा चावल। पैसिफिक मॉल के सामने लगाते हैं, पेट्रोल पंप के ऊपर ही ना हवा भरते हैं, उसके बाद ही ये लगाते हैं अपनी स्कूटर। टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। आपको ये राजमा चावल इन्जॉय करने हैं ना, आना तो पड़ेगा एक बारी। बहुत ही सुपर से भी ऊपर वाला टेस्ट है, मज़ा आ गया खा के। मैंने तो ओवर खा लिया आज, पेट देख रहे मेरा पूरा भर चुका है। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करने लगा हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और एक घंटे को दबाना मत भूलें। अब आपको मैं नई जगह मिलूंगा नई वीडियो के साथ। के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल।